बैड न्यूज बिफोर आई गिव दैट पहले मैं आई मस्ट कंग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस फंक्शन क्योंकि वी आर टुडे वंस मोर सेलिब्रेटिंग अ वुमन हु आई बिलीव इज नॉट जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बट द वेरी एपिटोम ऑफ रेवोल्यूशन इट्सेल्फ और हम उनकी मेमोरी को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट एंड आई एम स्पीकिंग अबाउट आसमा जहांगीर द गुड न्यूज एंड द बैड न्यूज इज दिस के हमारे मुल्क में ट्रू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ना आज तक हुई है ना आज है बिल्डिंग है हमारे पास पार्लियामेंट की वी हैव अ बिल्डिंग वी ऑल्सो इट इज बजिंग विद एक्टिविटी वी हैव लॉट ऑफ पार्लियामेंटेरियंस लाइक माई सेल्फ एंड माई कॉलीग्स हेयर रोमिंग अराउंड लुकिंग बिजी लेकिन इफ यू आस्क मी whether there is true parliamentary democracy the bad news is ke it isn't to ye jo topic hai revival of parliamentary democracy I think the topic is wrong it should be how can we achieve parliamentary democracy revival to hota hai ki aapki pehle ho parliamentary democracy aur aap usko le lekin the good news Next, the good news is that the ingredients for a parliamentary democracy, which I am going to describe now, unme sabse bada ingredient, the most important ingredient, is the will of the people, the recognition by the people that they have the power to change things, and I think. जो एक अचीवमेंट इस वक्त इमरान खान हु इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ पीटीआई एक जो उनकी अचीवमेंट है बाकी आप जो मर्जी कहते रहें डिबेट करते रहें बट वन अचीवमेंट दैट नोबडी विल डिनाई एंड वन अचीवमेंट जो इस इलेक्शन ने प्रूव कर दी है दिस इलेक्शन हैज़ प्रूव्ड दैट इज दैट द पीपल हैव रिकग्नाइज दैट दे हैव द पावर टू चेंज थिंग्स थ्रू देयर वोट And that is the first ingredient for a successful completion of a parliamentary democracy. क्या ingredients हैं parliamentary democracy के लिए I identify four things. वैसे तो बहुत बड़ी debate है बड़ी किताबें लिखी गई हैं बड़े लोगों ने बातें की हैं but the key ingredients in the context of Pakistan's history. The key ingredients are fundamentally four. One, you need parliamentarians, not a building. You need parliamentarians. And parliamentarians, मैं किनको कहता हूँ? आपने उर्दू का लफ्ज़ सुना होगा वकार. There's no English translation for me, but reputation is probably the nearest. To vakar until and unless parliamentarians have established their reputation in the eyes of the public no parliamentary democracy can exist anywhere in the world that is the first key ingredient vakar of the parliamentarians themselves number 2 ingredient jo equally important hai is the stakeholder the political party itself a political party has to be a political party and jab main abhi aapko bataunga I'll be very honest with you today do we have a political party in existence today in Pakistan or are we just parties by name Are we just parties by name? Because until and unless you have a political party in existence,
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज नॉट अचीवेबल. ये सेकेंड, दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रीडियंट. ये जरा गौर से सुनिएगा, दूसरा इंग्रीडियंट. तीसरा इंग्रीडियंट का मैंने पहले ही जिक्र किया, द विल ऑफ द पीपल एंड द रिकग्निशन बाय द पीपल के दे हैव द पावर, द रेवोल्यूशन जिसको आप कहते हैं, जहां लोगों को एहसास हो जाए कि ये ताकत हमारे पास है, नॉट अ एलीट फ्यू, नॉट सम पीपल जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जमीनें ली हुई हैं, नॉट सम पीपल जो बड़े वेल कनेक्टेड हैं, बट ट्रूली द पीपल हैव द पावर. जितना भी गरीब हो, जितना भी अमीर हो, हर एक की बराबरी है इन टर्म्स ऑफ वोट, एंड द वोट ट्रांसलेट्स. दैट इज द थर्ड इंग्रीडियंट. लेकिन चौथा इंग्रीडियंट भी उतना ही जरूरी है उसके साथ ही, उसको मैं पार्ट ऑफ द थर्ड इंग्रीडियंट ही कहता हूं, और वो ये है कि विल ऑफ द पीपल इज नथिंग विदाउट लीडरशिप. अ लीडर हैज टू बी बॉर्न, अ लीडर हैज टू बी प्रेजेंट फॉर द विल ऑफ द पीपल टू बी ट्रांसलेटेड, फॉर द विल ऑफ द पीपल टू बी ट्रांसफर्ड इन टू ट्रू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. एंड लास्ट जो पांचवा चौथा इंग्रीडियंट है, जो हम सबको पता है, कुछ आप लोग यंगस्टर्स हैं, उनको उन्होंने शायद एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, लेकिन कुछ हमारे जैसे हैं हु आर हुव सीन लॉट ऑफ हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री देमसेल्व्स. द थर्ड इंग्रीडियंट, फोर्थ इंग्रीडियंट फॉर पाकिस्तान इज गेस व्हाट. द फोर्थ इंग्रीडियंट अगर आप हिस्ट्री देखेंगे आर द इंटरफेरेंसेज फ्रॉम आउटसाइड पार्लियामेंट्री फोर्सेज. एंड दोज पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास हिस्ट्री में देखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा, दो इंस्टेंसेस हैं, दो इंस्टीट्यूशंस हैं विच हैव कॉन्स्टेंटली बीन इन्वॉल्व्ड इन अपरूटिंग द प्रोसेस टूवर्ड्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. नंबर वन इंग्रीडियंट इज व्हाट वी कॉल द एस्टैब्लिशमेंट. वी गॉट मार्शल लॉज इन आर हिस्ट्री. मार्शल लॉज हमने सब एक्सपीरियंस किए हैं, जिन्होंने हमेशा, जब भी हमने अचीव करने की कोशिश की है, डेमोक्रेसी डीरेल किया गया. और दूसरा जुडिशियल इंटरफेरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, और बड़े कम मुल्क में ऐसा है, जहां हमने देखा हिस्टोरिकली कि जब भी एक गैप आया है तो जुडिशरी ने भी इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया इन पॉलिटिक्स एंड इन हिस्टोरिकली स्पीकिंग इन. और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो मैं कह रहा हूं विद द फैक्ट्स, कि ये हिस्टोरिकली स्पीकिंग इंटरफेरेंस हुई है इन पॉलिसी मैटर्स, इन पॉलिटिकल मैटर्स, इन मैटर्स जो कि जुडिशरी को नहीं करने चाहिए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने कहा है कि दिस इज गवर्नेंस बाय जुडिशरी. तो ये चार इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बहुत अहम है. सो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. क्या हमने पहली जो इशू है, पहला पॉइंट जो है कि पार्लियामेंट का वकार, पार्लियामेंटेरियंस का रोल, हैव वी अचीव दैट. I will start very briefly and take you through Pakistan's history because that is part of the topic on this. 1947 mein Government of India Act 1935 tha. We did not have a constitution. So Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan, unhone constituent assembly banai aur unko pehle din address kiya aur kaha ki aapka sirf ek hi kaam hai. आपका काम क्या है? आपका काम है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, पाकिस्तान का आईन बनाए, मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री. इट टुक देम 10 ईयर्स. 10 साल तक वो डिबेट करते रहे, पार्लियामेंट बिल्डिंग में बैठे रहे. बड़े बड़े अच्छे लोग थे, बैठे रहे, लेकिन उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाई. क्यों नहीं बनाई आप पूछेंगे? बिकॉज ऑफ दिस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या था कि एज लॉन्ग एज देवर इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड डिड नॉट मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, दे वुड कंटिन्यू. जिस दिन वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते, उस दिन उनको स्टेप डाउन करना पड़ता. तो देर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट. वो जितना देर करते कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, उतनी देर तक वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे रहते. Because of that conflict, we lost 10 years. Ultimately, court ने आके कहा कि आप constitution बनाए. Constitution बन गई 1956 की पहली. What happened then?
Then we had these musical chairs. I call it the era of musical chairs. Prime ministers kept changing. अच्छे अच्छे प्राइम मिनिस्टर्स आए, कोई 15 दिन लास्ट किया, कोई 2 महीने लास्ट किया, कोई 3 महीने लास्ट किया. वकार जो था, रेपुटेशन ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस केप्ट गोइंग डाउन. रिजल्ट क्या हुआ? मार्शल लॉ. दोसा जजमेंट भी आ गई, जजमेंट ने उसको एंडोर्स भी कर दिया. सो व्हेन पार्लियामेंटेरियंस लॉस्ट देयर रेपुटेशन, द रिजल्ट वॉज पाकिस्तान पहले अपने 10 साल में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सका. जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी, इमीडिएटली आफ्टर ईयर और सो उसको खत्म कर दिया गया. लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन बन गई. इलेक्शन हुए उसके पहले, द फर्स्ट इलेक्शंस वर रिग्ड, मैसिवली रिग्ड. सो मच सो दैट पीपल केम आउट इन द स्ट्रीट्स. मूवमेंट हो गई, वायलेंट मूवमेंट हैपेंड, एंड इवेंचुअली द सेकेंड और थर्ड मार्शल लॉ ऑफ जियाउल हक केम. एन अमेरिकन कम्युनिके जो एम्बेसडर ने लिखी वापस, उसने कहा नॉट ए डॉग बार्क्ड, लोगों ने बल्कि मिठाइयां बांटी एट द डीरेलमेंट ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बिकॉज द पार्लियामेंटेरियंस डिड नॉट हैव अ ग्रेट रेपुटेशन, पीपल वर नॉट स्टैंडिंग बिहाइंड देम. देन वॉट हैपन्ड, द सेम पार्लियामेंटेरियंस ज्वाइंट जियाउल हक, उनकी रेपुटेशन और खराब हो गई. ओके, लेट्स फास्ट फॉरवर्ड अगेन. फेट इंटरवीन्ड, जियाउल हक प्लेन क्रैश्ड, डेमोक्रेसी वापस आ गई. तो पार्लियामेंटेरियंस ने क्या किया? आई कॉल इट द रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स. रिवॉल्विंग डोर आप लोगों को पता है क्या है? कभी आप होटल में गए हैं जिसमें एक दरवाजा होता है, वो गोल सा दरवाजा होता है, आप एक साइड से एंटर करते हैं और दूसरी साइड से लोग बाहर एग्जिट कर रहे होते हैं. रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स. रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स में क्या हुआ कि एक हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, एक थी बेनजीर भुट्टो शहीद की. एक साल दो साल बेनजीर की हुकूमत आती थी, उसको कंप्लीटली जो PMLN की हुकूमत थी वो उसको डीरेल करने की कोशिश करती रहती थी, उसको डीरेल करती थी. थोड़ी देर बाद वो आ जाते थे वापस, फिर भी बेनजीर भुट्टो आ जाती थी और ये सारा मामला चलता रहा. इवेंचुअली एक दिन आया और लोग हंसते थे. आपको याद होगा डिफेक्शन क्लॉज के, वो लोगों को बंद कर दिया जाता था मरी में कि आपने वोट इस तरह करना है. पार्लियामेंटेरियंस को छांगा मांगा लेके जाया जाता था. तो पार्लियामेंटेरियंस का मजाक उड़ाना शुरू हो गए लोग. दे लॉस्ट मोर ऑफ देयर रेपुटेशन. एंड देन व्हाट हैपेंड, एक वक्त ऐसा आया, एंड दिस इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, मैंने नेशनल असेंबली में जाके ये चेक किया कि वाकई ये दुरुस्त बात है कि नहीं. इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड कि द फास्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, द फास्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच वॉज पास्ड, जो कि सिर्फली 1.5 मिनट लगा उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करने में, 1.5 मिनट, उसमें नेशनल असेंबली ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को अमीरुल मोमिनीन बना दो, फॉरगेट अबाउट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. वो तो लकीली चूंकि डिसॉल्व हो गई नेशनल असेंबली उसके बाद और वो सेनेट में नहीं जा सका मामला, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बनी. लेकिन इस लॉस ऑफ रेपुटेशन का क्या हुआ? लॉस ऑफ रेपुटेशन से ये हुआ कि आज भी उसके इमीजिएटली बाद मुशर्रफ साहब आ गए, मार्शल लॉ लग गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको इंडोर्स कर दिया उस केस को और कहा कि दिस इज द करेक्ट मार्शल लॉ. सो इन इफेक्ट इफ यू लुक एट पाकिस्तानी हिस्ट्री, व्हाई वी हैव नॉट बीन एबल टू अचीव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फॉल्ट ऑल्सो लाइज विद अस पार्लियामेंटेरियंस. एंड आज भी आप देखें, पिछले दो साल पहले, दो साल से आप देखें, हमारा मेन काम क्या है इस पार्लियामेंटेरियंस, हमारा काम है कानून साजी करना,
कानून साजी किसके लिए करना? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक, आप लोगों के लिए, बेहतरी के लिए, मुल्क और कौम की खिदमत के लिए। लेकिन आप देखेंगे पार्लियामेंट ने पिछले दो साल से कानून साजी किस तरह की, इट इज कॉल्ड बुलडोजिंग ऑफ लॉज। एक मिनट में बिल आता है, कोई पढ़ता भी नहीं उसको, स्टैंप करते हैं और लॉ बन जाता है। लोगों का पार्लियामेंट्री, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उस पे से वकार उतरता जा रहा है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू अचीव ट्रू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। माई सजेशन वुड बी, माई एम इज, एंड दैट इज माई एंडेवर, और यही मैं ट्राई कर रहा हूं कि हम अपना पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो खुद ही अपना वकार ऊपर करें। वी हैव टू फर्स्ट इम्प्रूव आर सेल्स, वी हैव टू फर्स्ट एक्ट लाइक पार्लियामेंटेरियंस, देन यू विल रिस्पेक्ट अस, देन पीपल विल रिस्पेक्ट अस, एंड ओनली देन विल बी एबल टू अचीव ट्रू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। दैट इज माई फर्स्ट इन्ग्रीडियंट। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया था पोलिटिकल पार्टीज की एग्जिस्टेंस। मैं कई फोरम्स पे जाके बात करता हूं, एंड आई टॉक अबाउट यूएसए की पॉलिटिक्स, आई टॉक अबाउट यूके की पॉलिटिक्स, एंड आई से कि लुक एट देयर पार्टी सिस्टम। उनके पार्टी सिस्टम में आज अगर ओबामा आता है उनकी पार्टी में, तो कल बाइडन आ जाता है, परसों कोई और आ जाएगा, अननोन, अनरिलेटेड टू ईच अदर, ओनली राइजिंग फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स। इंग्लैंड की पार्टीज को देखें तो दो पार्टीज हैं, या मेन पार्टीज जो हैं, कंजर्वेटिव और लेबर, उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं वो कोई भी बन सकता है, एनीबडी हु राइजेज फ्रॉम द रैंक्स। देयर पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट डायनेस्टिक, देयर पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट वन मैन शो, दे आर ट्रूली डेमोक्रेटिक इनसाइड। सो हम जब तक अपनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को टोटली डेमोक्रेटिक नहीं करेंगे, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विल स्टिल बी अ ड्रीम वी विल अचीव। आई एम गोइंग टू शॉर्टन दिस। थर्ड पॉइंट वॉज इंटरफेरेंस बाय अदर स्टेट एक्टर्स। पाकिस्तान की हिस्ट्री में वी हैव ऑल सीन मार्शल लॉज बीइंग इम्पोज्ड, पाकिस्तान की हिस्ट्री में वी हैव ऑल सीन द जुडिशरी एक्ट एंड इंडोर्स दोज केसेस। हमने देखा है, आप स्टार्ट कर लें दोसा केस से, नुसरत भुट्टो केस से, आप देख लें सारे केसेस जो उसके बाद आते रहे, हमेशा जब भी मौका हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आ गया। जब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आप ख़त्म करते हैं, उसके थोड़ी देर बाद वो फिर दोबारा से रिवाइव किया जाता है हमारी हिस्ट्री में। उसके अलावा जब भी गैप आता है, हम देखते हैं कि जुडिशरी ऐसे ऐसे केसेस, रिकोडिक केस हो गया, बहुत सारे केसेस हो गए जो हमारे माजी में हैं, जहां जो गवर्नमेंट के मैटर्स हैं उसमें इंटरफेरेंस करती रही। दोज आर ऑल थिंग्स दैट डीरेल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट इज सॉवरन, देयर इज अ कैबिनेट, देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, द एंटायर मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज अ वॉच डॉग, जुडिशरी एक्ट्स विद इन इट्स अफेयर, अपनी जुरिसडिक्शन के अंदर, an executive only implements. That is the ideal format of a parliamentary democracy. Lekin hamari sari mixed up ho jayegi. Agar history dekhen, everybody is interfering with everybody else's business, not their own. Agar aap history mein dekhen, to establishment aake to martial law laga deti hai. Agar aap dekhen, to judiciary aake baat karna shuru kar diye policy matters ki, ki aapne price sugar ki kitni honi chahiye, kitni nahi honi chahiye. So all these matters need to be, every body, every institution needs to be within their sphere. Last cheez jo thi, I spoke about the will of the people and leadership. Will of the people, jis tarah maine kaha, aaj tak humne Pakistan mein baat to bahut ki, lekin will of the people actually dekhi nahi. Will of the people, pehli baar maine एक्सपीरियंस की है अब, एंड दैट इज व्हाई आई सेड के देर इज अ गुड न्यूज। द गुड न्यूज इज कि हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन जवान है। दे नो द सिस्टम, दे रीड एवरीथिंग, वो एजुकेटेड थ्रू द सोशल मीडिया नेटवर्क, दे आर एज एजुकेटेड एनी एज एनीबडी एल्स।
दे आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स. और इस बार जब इलेक्शन हुआ तो आपने देखा कि पीटीआई एक बड़ी मकबूल पार्टी थी, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, पीटीआई को सिंबल उसका ले लिया गया. आप सब ने वो केस देखा था, मैंने खुद ये केस किया था, पीटीआई का सिंबल ले लिया गया और उसका मकसद ये था कि लोग कंफ्यूज हो जाएं. द पर्पस वाज वेरी सिंपल दैट पीपल शुड गेट कंफ्यूज्ड, सो कंफ्यूज्ड दैट दे विल नॉट बी एबल टू वोट. बट यू पीपल, यू सेड नो, दिस राइट ऑफ आवर्स कैन नॉट बी टेकन अवे. वी विल गो थ्रू दिस प्रोसेस विदाउट द सिंबल, वी विल स्टिल वोट. और वोट किया, चुप करके किया, बर्दाश्त करके किया, वोट किया, एक्सरसाइज की अपनी पावर. मुझे याद है जब मैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे फिर रहा था उस दिन, तो बच्चियां आके चुपके से जो लाइन पे खड़े थे लोग, उनको कह रही थी आपने बैंगन को देना है, बैंगन को देना है, बैंगन को देना है, बैंगन को देना है. दूसरे पोलिंग स्टेशन पे गया तो किसी ने हाथ पे बनाया हुआ था निशान, शायद करेले का या किसी का, वो कह रहे थे कि ये आपने इधर वोट देना है, इधर वोट देना है. मीनिंग देयर बाय दैट पीपल वर वेरी अवेयर, पीपल न्यू कि हमें हमारा एक्स वोट क्या है, दे न्यू देयर पावर ऑफ वोट एंड दे सेड कि हमने इस बार एक्सरसाइज करना ही करना है, और उन्होंने किया. एंड आई थिंक दैट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मिस्टर इमरान खान, कि उन्होंने लोगों की ये जो विल है जो आज तक मिस कर रही थी. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, पहला मार्शल लॉ हुआ, पहला मार्शल लॉ हुआ तो लोगों ने कहा कि जनाब नॉट ए डॉग बार्क्ड. दूसरा मार्शल लॉ हुआ, लोगों ने मिठाइयां बांटी. तो पीपल हैड नो विल, दे डिडंट रियलाइज, दे डिड नॉट नो देयर पावर, उनको पता ही नहीं था कि ताकत कितनी है वोट की. अब इस इलेक्शन के बाद वो क्लियर हो गया. सो इसलिए मैं देखता हूं कि अब हमने करना क्या है. आप एक प्याले की शक्ल समझे, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एक मेटाफॉर. कई बार शेक्सपियर भी मेटाफॉर कहता था, मैं शेक्सपियर तो नहीं हूं लेकिन एक मेटाफॉर मैं आपको देता हूं. एक प्याला भरा हो पानी से, बिल्कुल उसको एक कतरा और डालने की जरूरत हो तो फिर वो प्याले से निकल आएगा उसका जो पानी है, लेकिन प्याला खुद कतरा नहीं डाल सकता. विल ऑफ द पीपल आ गई है, प्याला भर गया है, विल ऑफ द पीपल इज देयर. अब हमें सिर्फ एक कतरे की जरूरत है और कतरा एक लीडर डाल सकता है. द मोमेंट दैट हैपन्स वी विल कन्वर्ट दिस इंटू अ रेवोल्यूशन, यू विल कन्वर्ट इट इंटू अ रेवोल्यूशन. सो आप अपने लिए तालियां बजाएं आज. मैं फ्यूचर बड़ा स्ट्रांग और पॉजिटिव देख रहा हूं. पार्लियामेंटेरियंस विल लर्न हाउ टू हैंडल इट होपफुली. हम लोग आपस में, कल भी मैंने डिबेट की सेनेट में और मैंने कहा कि अब ये जो लड़ना है, झगड़ना है, डिबेट के जरिए लड़ें, झगड़ें, ये हमारा हक है, लेकिन उसको तमीज के दायरे में रह के लड़ें ताकि हमारा वकार बेहतर हो आपकी नज़र में, आपके लिए काम करें. वो जब हम कर लेंगे, विल ऑफ द पीपल इज देयर, द लीडरशिप इज देयर, द लीडरशिप इज गोइंग टू कम आउट सून बाय द वे इंशाल्लाह. एंड एज सून एज द लीडरशिप कम्स आउट We will achieve our revolution and true parliamentary democracy, inshallah. Thank you very much.